अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे और अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। तो ये है जी सुबह सुबह का टाइम और मौसम देखें कितना खूबसूरत हो रहा है। काले काले बादल आ गए हैं और पूरी रात बस ऐसे रिमझिम रिमझिम जो है लगी रही है। और ऐसी वाली बारिश ना बड़ी प्यारी लगती है, सारा दिन बरसती रहती है, सारी रात बरसती रहती है और बस झड़ी लगी रहती है। वरना जब एकदम से बहुत ज़्यादा बारिश आती है तो वो फिर ज़ाहिर रुक जाती है थोड़ी देर के बाद ही, और फिर वही धूप निकल आती है। तो मुझे ये मौसम ज़्यादा अच्छा लगता है और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। और जी ऐसे मौसम में अच्छे अच्छे खाने बनाने को तो बहुत ही दिल करता है। तो आज मैंने सोचा कि मैं बनाती हूँ चिकन मंदी पुलाव। तो उसके लिए जो एक मसाला बनता है वो स्पेशली मैं आपको बता देती हूँ। मैंने एक चम्मच सौंफ लिया, चार छः मैंने इलायचियाँ ले ली, जायफल ले ली। अब जायफल है जावत्री, आप खुद देख लीजिएगा, मुझे ज़रा पता नहीं चलता है इसका, कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं इसमें। और एक चम्मच जी इसमें गया सूखा धनिया, ठीक है। इसको मैं ऐसे पाउडर फॉर्म में बना लूँगी और इसका जो मसाला जो है उसकी खुशबू ही, जो सौंफ के साथ जो इसकी खुशबू होती है ना, वो बेसिकली वो एक मेन इसका इन्ग्रीडियंट है सौंफ, ठीक है जी। इसका पाउडर मैंने बना लिया। अब इसमें जाएंगे दूसरे मसाले जो नॉर्मल मसाले होते हैं। इसमें गए जी एक टीस्पून मैंने हल्दी का डाला है, तीन चम्मच इसमें जाएंगे लाल मिर्च पाउडर के। अगर देगी मिर्च हो लाल वाली, अच्छी खूब मज़े की लाल वाली हो तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो चिकन पीस है उसका कलर ज़रा इन्हांस होना चाहिए। और एक चम्मच मैंने इसमें नमक का डाल दिया है, ठीक है जी। और बस इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से हल्का सा पानी डाल के। और इसमें मैंने गर्म मसाला भी डाला था, वो शायद मैंने नहीं दिखाया। एक चम्मच इसमें गर्म मसाला पिसा हुआ जो घर में हम पीस लेते हैं, वो भी मैंने इसमें डाला था। इसमें और कुछ भी नहीं मिलाना। इसमें लेमन जाता था लेकिन लेमन मेरे पास इस टाइम नहीं था, क्योंकि मैं रात को ही मसाला लगा के रख रही थी। और रात को अगर मसाला लगा के रखेंगे तो चिकन बहुत अच्छा टेंडर बनेगा, बड़ा नरम सा, बड़ा मज़े का बनेगा। अगर टाइम नहीं है तो एक से दो घंटे भी आप रख सकते हैं, तीन से चार घंटे भी रख सकते हैं। तो मैंने ओवरनाइट इसको मैंने मैरिनेशन के लिए रख दिया था। और इसको मैं कट लगा रही हूँ, जितने हो सके उतने कट लगाएं, खूबसूरत भी लगेगा उस तरह से। और जनाब ये है नेक्स्ट मॉर्निंग तो नहीं, दोपहर का टाइम है और लंच की तैयारी कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आज बताया कि आज जुम्मा था वैसे भी, और स्पेशल खाना आज बनना ही था। जुम्मे वाले दिन वैसे भी हस्बैंड मेरे घर पे होते हैं तो मैं स्पेशल ही ट्राई करती हूँ कि कुछ स्पेशल बनाऊँ। तो आज तो बनता ही था, नए घर में हमारा पहला जुम्मा था, बेसिकली दूसरा जुम्मा था, लेकिन पहले जुम्मे हम काफ़ी बिजी थे। तो मैंने गोश्त उड़ा दिया है क्योंकि दूसरी साइड पर मैं नमकीन मटन बना रही हूँ, नमकीन मटन नहीं, काली मिर्च वाला मटन बना रही हूँ। तो मैंने प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ी सी हल्दी और मटन आधा किलो डाल के मैंने उसको कुक करने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला था और वो मैंने एक साइड पे कुक करने के लिए रख दिया है। अब दूसरी साइड पे मैंने चिकन पीस मैंने फ्राई करने के लिए रख दिए हैं, हल्की आँच की थी। और वो जैसे ही फ्राई होंगे तो इतनी देर में मैं चावलों की तैयारी कर लेती हूँ। चावल मैं भिगो रही हूँ और पहले मैंने सोचा कि मैं ये जो कप मेजरिंग कप साथ में मिला है इसी से भिगो दूँगी, फिर मैंने कहा नहीं मुझे पानी का फिर अंदाज़ा नहीं रहेगा, तो इसलिए मैं अपना जो नॉर्मल कप पहले यूज़ करती थी वही मैं यूज़ कर रही हूँ। और इधर मेरे चिकन पीस भी फ्राई हो रहे हैं, इसको दोनों साइडों से अच्छी तरह से फ्राई करना है क्योंकि ये अच्छी तरह से पके हुए होने चाहिए। थोड़े से ये एंड में दम में भी पकेंगे, उसमें भी बहुत अच्छे गल जाएंगे, तो इसलिए मैंने हल्की आंच की हुई है। और उसमें
समझ लें कि मैंने 5-7 मिनट के लिए एक साइड पकाई होगी, 5-7 मिनट के लिए दूसरी साइड, इस तरह करके मैंने इनको फ्राई कर लिया था। अब जनाब आती है चावलों की बारी, तो चावलों के लिए मैंने ऑयल डाल दिया, थोड़ा सा मैंने इसमें प्याज डाल दिया, आधा, जैसे आजकल बड़े बड़े प्याज आए हुए ना, तो आधा मैंने इसमें डाला था। और इस मौके पे मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी, तो मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट डाला है, 2 हरी मिर्चें काट के डाली हैं, और मंदी मसाला जो मैंने बनाया था वो मैंने एक टीस्पून मैंने इसमें डाला है। उसकी खुशबू आती है, मतलब जो धनिया, सौंफ और जावत्री और इलायचियों का पाउडर मैंने, वो जो बनाया था उसका पाउडर, वो मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच, ठीक है जी। उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया, और आज सब्जी भी आई थी तो ये धनिया जो है वो बना के रख दिया है टिश्यू डाल के। तो इस तरह ये होता है कि ये ख़राब नहीं होता, मतलब 2-3 दिन आराम से चल जाता है। आजकल वैसे भी ठंड है तो इस तरह की चीज़ें चल जाती हैं, लेकिन इसको मैंने धोया नहीं था, फिर बाद में मैं इसको धो के ही यूज़ करूँगी, लेकिन पहले नहीं धोया था। अगर इसको जैसे ही मैं गीला करूँगी तो ये ऐसे नरम नरम सा सौगी सा हो जाएगा, फिर वो जल्दी काला पड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। और साथ में मैं बहुत ही मज़े का एक रायता बना रही हूँ। मैंने दही में काली मिर्च डाल दी, मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है, और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, और फिर इसमें जाएंगी जी सब्जियाँ। वैसे इसमें डाल सकते हैं जो भी दिल करे, वैसे इसमें आलू बॉइल्ड जाते हैं, वो बड़ा मज़े का लगता है। तो मेरे पास टाइम नहीं था और दोपहर के खाने का भी टाइम हो गया था, 3 बजने वाले थे, तो मैं इसमें सिर्फ डालूँगी छोटे छोटे प्याज और छोटा छोटा खीरा जो है ना वो मैंने काट के, और थोड़ा सा मैंने इसमें धनिया ऐड किया था, और इसको बस मिक्स कर लूँगी। और इसके ऊपर मैंने कलर के लिए ना लाल मिर्च का पाउडर मैंने इसमें डाल दिया था, तो बस ये बहुत अच्छा मज़े का रायता तैयार हो गया था। एक ही पत्ती मुझे मिली थी पुदीने की, तो मैंने वो भी ऊपर रख दी थी, तो उसे ज़रा कलर आ जाता है। और चावल बस रेडी होने वाले हैं, और ये बाप बेटी जो है ना देख रहे हैं, यहाँ पे कार्टून मूवी देख रहे हैं और खाने का वेट कर रहे हैं। अच्छा जी, अब दम की बारी आती है, तो मैंने ये चिकन पीस जो है ये इसमें डाल दी हैं, इसमें आधा तो ऑयल है और आधा इसका चिकन का पानी निकला है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा ऑयल ही है, तो बस उसको मैं साइड पर कर लूँगी। और दम के अंदर ही मैंने इसमें रख दिया था, इसमें वैसे धुआं लगाना चाहिए, कोयले का धुआं, लेकिन मेरे पास कोयला नहीं था। और गोश्त जो है वो मैं कम ही बना रही हूँ, क्योंकि चावल, मुझे पता है ना कि ज़्यादातर चावल ही पसंद किए जाएंगे, मेरे घर में चावल हर कोई शौक से खाता है, तो मैंने मटन बहुत ही थोड़ा सा बनाया था, बल्कि इवन वो खाया भी नहीं, वो अभी भी पड़ा हुआ है। और ये जी बड़ी खूबसूरत सी डिश में मैं प्रेजेंट करूँगी, अपना डिश आउट करूँगी राइस को, और ये मेरे फ्रेंड ने मुझे ईरान गई थी तो वहाँ से वो लाई थी, उसने मुझे गिफ्ट की थी, और अब इसमें नए घर में आई हूँ ना, तो अब मैंने निकाली है, तो बहुत प्यारी डिश है। और बस इसको कुछ भी नहीं करना गोश्त को, इसमें बस मैंने थोड़ा सा देसी घी डाल दिया है, इसकी थोड़ी सी बुनाई करूँगी, और क्योंकि हांडी में सर्व करूँगी तो हांडी को बस हल्का सा गर्म कर रही हूँ ताकि गर्म रहे खाना इसमें। और गोश्त जो है ना वो भून चुका है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा अलहदा तड़का लगा रही हूँ गोश्त के लिए, तो थोड़ा सा लहसुन मैंने इसमें डाला, और जी थोड़ी सी मैंने सब्ज़ मिर्चें इसमें डाल दी हैं, और क्योंकि काली मिर्च मटन है तो इसमें काली मिर्च गई, और जो गोश्त भुना हुआ था वो इसमें चला गया, ठीक है जी। अब इसमें जाएगी थोड़ी सी दही, और दही में जाने के बाद ये थोड़ा सा कुक होगा, और दही डालने के बाद फौरन ही फ्लेम ऊंची नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी कम होनी चाहिए, वरना दही जो है ना वो फट जाता है फौरन से, तो इसको मुसलसल मिक्स करते हैं जब तक ये उबाल ना आ जाए ना दही में, दही का कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। तो मैंने बस उसको थोड़ा सा ढक लिया था, और यहाँ पे जी ड्राई फ्रूट जो है ना वो मैं चावलों के लिए थोड़े से फ्राई कर रही हूँ, थोड़ा सा उनको रोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये मैंने ना चावलों के ऊपर गार्निश करने हैं ना, तो थोड़ा सा रोस्ट हुए ना अच्छे लगते हैं, कच्चापन नहीं आता।
अब जी राइस मैं डिश आउट कर रही हूँ और चावल जो है मेरे बड़े प्यारे से घुले हुए बने थे। घुल उस तरह नहीं गए थे, मतलब पके हुए थे, फुल पके हुए थे और बड़े खिले खिले से बड़े प्यारे से बन गए थे। तो पहले मैंने चावलों की लेयर लगा दी है, बल्कि सारे ही चावल मैंने डाल लिए थे और मैंने चिकन पीस अलहदा से रख दिए थे क्योंकि ये ऊपर जो है ना सजावट में अच्छे लगते हैं चिकन पीस जो हैं। और इस तरह जी रख के अब मैं इसमें डालूंगी सब्ज धनिया और ड्राई फ्रूट जाएंगे बस। और खाना जो है वो बहुत ही मज़े का बना था, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और पहले मैं स्पून से खाने लगी, मैंने कहा नहीं फजूल है, स्पून से खाना, हाथ से खाना चाहिए। तो मैं हाथ से ही खा रही हूँ और रायता भी, राइस भी और चिकन पीस भी बहुत ही मज़े के बने थे। और जी थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद फिर आ गई हूँ किचन में। तो थोड़ी देर के लिए सो गए थे, हम सारे ही सो गए थे, तो ऐसे थकन सी हो रही थी। तो उसके बाद फिर 5 बजे का टाइम है और जी चाय का टाइम यही होता है, तो यहाँ पे चाय बन रही है। और चाय समोसा मैंने वैसे बहुत मज़े की लगती है और मेरे ख्याल में मैं पहली बार दिखा रही हूँ इस घर में चाय, तो मतलब बनती हुई, वैसे तो बनती रही है लेकिन शायद वीडियो में मैं फर्स्ट टाइम दिखा रही हूँ। और उसके साथ गाजर का हलवा भी, और बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ। अच्छा जी, अभी इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, फुल बारिश हो रही है और हम लोग सोचे थे थोड़ा सा बाहर होके आते हैं। सुबह से ही थोड़ी 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 हो रही थी लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छा, कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था हुआ कुछ यूँ कि मैंने उसको एक दफ़ा जब चेक किया तो उसमें गड़बड़ थी, फिर मैंने उसको दोबारा से मैंने उसको एडिट करके और फिर मैंने उसको सेव किया, लेकिन गलती से ना मुझसे वो जो गलत वाली थी ना वो वाली अपलोड हो गई। अब जबकि फिर मेरी कॉल आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। और जब मुझे कमेंट्स आने शुरू हुए फिर मुझे रियलाइज हुआ, मैंने कहा शायद मैंने वही वीडियो डाल दी है, तो इतनी मैं बेवकूफ़ हूँ कि मैंने वही डाल दी। तो खैर होता रहता है, लेकिन फिर भी आपने टॉलरेट किया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सारा दिन आज भी बिज़ी रहा, मौसम बहुत ठंडा ठंडा हो रहा है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और ये देखो सारा ये सेन गीला हो रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने सेन से वैसे हटा ली हैं, इतना ज़्यादा अब सामान नहीं रहा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो फेंकने वाली हो गई थी। तो अब सिर्फ ये झोला, ये प्लांट थोड़े से और बस यही चीज़ें रह गई हैं। तो इजाज़त चाहती हूँ आपसे, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय। कौन सी काट के दूँ? अच्छा ये वाली। सूट पहनने के लिए सूट ही नहीं है, पिछले साल वाले निकाले हैं मैंने, लग रहा है एक सूट भी नहीं है। पिछले साल शायद मैंने ना बनाए कम थे सूट।